हमारे छोटे भाई की फिल्म है जिसका नाम है खेसारी लाल यादव। ठीक है, हमारे इंडस्ट्री का सुपरस्टार है, लाडला है, प्यारा है, दुलारा है, ठीक है, ट्रेंडिंग स्टार है, ठीक है, और आप पावर स्टार हैं, पीकिंग है। हमारी भाई की फिल्म आ रही है संघर्ष टू। बिल्कुल, मैं आप सब के बीच में बोल रहा हूँ, कहाँ खड़ा होना है संघर्ष टू के लिए, कौन सिंह सबसे पहले। मैं हमेशा चाहूंगा मेरे भाई की फिल्म चले, धूम मचा दे। आप लोग सबको आशीर्वाद दीजिए, सबको आगे बढ़ाइए, मस्त रहिए। एक चीज छूट रहा था, मैं ऐसे ही आपसे बोला कि क्या छूट रहा है, क्या भूल रहा हूँ। इस फिल्म में, हमारे हर हर गंगे फिल्म में, पवन सिंह के साथ साथ मेरा छोटा भाई, हम सब के सुपरस्टार, आप सभी के सुपरस्टार, मेरा कल्लू इस फिल्म में काम किया है, तो हमारे कल्लू भाई के लिए जोरदार ताली हो जाए। बहुत अच्छा काम किया है मेरा बाबू इस फिल्म में। कल्लू बेटा, एकदम छा जा, गर्दम गर्दम मचा दे। तो हाँ, बोल बोल बोल। स्मृति सिन्हा आरोप लगा रही है कि हमको जगह नहीं दिया गया फिल्म में, ट्रेलर में हमको नहीं रखा गया, पोस्टर में जगह नहीं दिया गया, काफी नाराज नजर आ रही थी। अच्छा एक बात बताओ कि ट्रेलर हम काटने गए हैं? ये हमारी इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े स्टार हैं, स्मृति सिन्हा जी सुपरस्टार नायिका हैं, उन्होंने इस फिल्म में बहुत अच्छा काम किया है, और आप सबका आशीर्वाद उन पे बरसे, आप लोग इतना उनको अपना आशीर्वाद दें कि वो हमेशा छाए रहे। और आगे कुछ सुनना चाहते रहे, कुछ बोल, फिर से बोल, फिर से बोल। सर, ये पैन इंडिया फिल्म बन रही है क्या? पांच भाषा में कहा जा रहा था कि ये फिल्म हिंदी की भाषा में, पाँचों हो जाए तो फिर मैंने ठीक रही। बारी बारी से आप लोगों के अंदर जो जो, हाँ प्रिंस आ गया, बिल्कुल किया जाएगा। सिनेमा हॉल तक नहीं जाता फिल्म के प्रमोशन के लिए, तो आप जाएंगे सिनेमा हॉल में? कदम भैया, एक काम करो, तू भागा चला अंदर का पकड़ चल। सॉरी भैया, सवालों पर सतने सुन के नहीं लगी। लोकसभा चुनाव लड़ी है क्या? क्या लोकसभा चुनाव देखिए क्या है, मैं शुरू से चाहता हूँ, मैं कटाक्ष ना बोलूँ ना हमसे बुलवाओ यार, मैं सबका सम्मान करता हूँ। रही बात जहाँ तक चुनाव लड़ने की, तो हम देखिए, हम नायक हैं, हम गायक हैं, अभिनेता एक्टिंग करता है, गायक जौन बात हम आप सबके आशीर्वाद से तनिक थोड़ा बहुत हम गा ली जा। आगे पार्टी के अभी हमने के कहाँ खड़ा बानी जा, महाराज जी के छत्र छाए में हमने के खड़ा बानी जा, इतना सुकून के साथ हम लोग यूपी में शूट कर रहे हैं, कोनो दिक्कत नहीं के गिनियो कोना में हम लोग जाके जिधर डायरेक्टर को लगता है कि हाँ भैया मेरा यहाँ सीन अच्छा हो, बिल्कुल करिए। आज देखिए हम लोग बिंदास शूट कर रहे हैं, कितने सालों से शूट कर रहे हैं यूपी में, इतना आनंद आ होता है। और यहाँ के जो हमारे बड़े भैया महानायक सुपरस्टार, उनका खाती कम बा, हमारे बड़ भैया रवि किशन जी, भैया इस होटल में भी आए थे कि बाबू तो भैया यहाँ बा, कोनो दिक्कत हुई तो बताई है। मैंने बोला थैंक यू सो मच भैया, और थैंक यू सो मच का हमारे बड़ भैया, हमें मैं उनका छोटा भाई हूँ, कम से कम बड़ा भाई आके पूछा तो कि हाँ बाबू देखना, कोई दिक्कत ना हो, कोई बात हो तो बताना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी संपत्ति है। तो रही बात चुनाव लड़ने की, तो बिल्कुल हमके वहाँ से आदेश आई कि कौन तुमको चुनाव लड़ना है, तो मैं भी चुनाव लड़ूंगा। आरा के लोग इंतजार कर रहे हैं, नेताओं से मिलने की तस्वीरें आ रही है भैया, लगातार शीर्ष भाजपा नेताओं से मिलने की आपकी तस्वीरें आ रही है, क्या पार्टी क्या फैसला कर रहे हैं? अच्छा ये बताओ कि हम पार्टी में मिल ही ना रहे हैं। भाई जान, क्या पार्टी से क्या आदेश?
साउथ में उन्होंने इतना कमाल किया है, हम चाहते हैं कि लाइफ में पहली बार आपके साथ अभी फिल्म देखें और आप भैया योद्धा में काम किए हुए हैं। भैया योद्धा में हमारी फिल्म योद्धा आप देखे हैं? फिर वही सवाल कर रहे हो पूरी के बारे में जानिए। अच्छा, देखो जो भी है, इस लड़के ने ये सवाल किया, रवि भैया 2-3 दिन पहले आए थे यहाँ पे, तो मैंने उनसे इच्छा जाहिर किया कि भैया मेरे मन में अचानक से एक बात आया, एक फिल्म हम लोग बनाते हैं जिसमें एक फिल्म हम लोग बनाते हैं जिसमें या तो हम हीरो रहे आप विलेन रहे, या नहीं तो आप हीरो रहे मैं विलेन रहूं। तो मैंने इच्छा जाहिर किया है, देखिए बात बनती है, भैया ने मगर हामी भरा, हम दोनों भाई का सोच अगर मिल गया तो जरूर इस टाइप की हम लोग एक फिल्म करेंगे। बोल भैया जिंदाबाद। भैया एक और हमारे प्रिय मित्र दीपक सिंह जी और हमारे हमारे राजनीतिक दल के सहयोगी संतोष सिंह जी के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। और हमने मुझे सबका आशीर्वाद मिल रहा है और आप सबके सामने मेरा छोटा भाई एक गौरव पीछे खड़ा है, मेरा भाई बहुत मेहनत करता है हर तरीके से, जब भी पवन सिंह गोरखपुर में आता है मेरा भाई 24 घंटा तैनात रहता है कि मेरे भैया को कोई दिक्कत ना हो। लव यू मेरा भाई। ये एक सवाल था भैया, बोलिए। सर ये फिल्म पीएमओ भेजा गया है, मोदी जी का भी एक साथ वीडियो वायरल, पता नहीं फेक है कि क्या सच्चाई है, बताना चाहेंगे उसमें हरनगंज फिल्म के बारे में मोदी जी बोल रहे हैं, क्या वो सच्चाई है? और ये भी सच्चाई कि ये फिल्म पीएमओ भी गया है, उसमें भी चलाया जाएगा? ये हमारे प्रोडक्शन मैनेजर हमारे निशांत जी के साथ साथ हमारे लड्डू जी हैं जो कि हमारे बड़े भैया के साले साहब हैं, हमारे ही साले साहब हुए। हाँ सॉरी सर। सर ये फिल्म क्या पीएमओ भेजा गया है? स्वच्छ गंगा अभियान के ऊपर हमारी फिल्म बनी है हर हर गंगे। पवन सिंह ने इस फिल्म में मेहनत किया है।